अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। अल्लाह के हुक्म से काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने पिछली वीडियो में आपसे कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मेरे गले में काफ़ी आराम है और तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। बुखार उखार भी काफ़ी कम हो गया है, तो थोड़ा सोच है कि ठंड हो रही है और गैस नहीं आ रही थी, अभी दो चार दिन से गैस आ रही है, लेकिन बुखार की वजह से बिल्कुल भी पानी में घुसना नहीं हो रहा था। आज मैं घर का प्रॉपर काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। आज मैं कीमा मटर बना रही थी, थोड़ा सा पानी बॉईल करने रख दिया था मैंने, गीज़र ख़राब है इस वजह से, तो मैंने आज पतीले में पानी गर्म करने रखा है। बहरहाल यहाँ पर मैंने तीन प्याज़ स्लाइस करके डाल दी थी और एक प्याली मैंने ऑयल डाला इसके अंदर, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अच्छा, बर्तन वगैरह धो के मैंने रख दिए थे, तो अब इसका पानी वानी मैं देखती हूँ कि निकल जाता है, तो फिर मैं इसको रखती हूँ। आप इस पर चले, बर्तनों को रख देते हैं। चमचे वगैरह की जगह पे रखते हैं, बर्तन रख दिए हैं और प्याज देखते हैं थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। इसमें अपने मसाले वगैरह की मालूम शामिल करती हूँ मैं, थोड़ी सी प्याज ज़रा ब्राउन हो जाएगा, काउंटर भी साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, कल मैंने ना ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो उसकी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। अच्छा, आप लोगों के साथ तो मैंने जो है यहाँ पे वो फ्राई करा था, बाकी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी थी, पर उनके जो चीज़ बॉल्स थे वो बहुत ख़राब थे, तो वो सारे इसी के अंदर सारे जल गए थे। तो अभी इसको तेल को भी मैं साफ़ करूँगी और दोबारा से यूज़ कर लिए रखूँगी। चलो यहाँ पर ना प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कीमा लिया है 1.5 पाव के करीब, बगैर हड्डी का कीमा है, और इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आ जाते हैं अपने मसालों के ऊपर, मसाले डालेंगे इसके अंदर क्या, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच पिसी मिर्च, आधी चमची हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और ये साबुत गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, नमक डालने के बाद तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करके, और जो है इसको आधे घंटे के लिए इसको जो है पकने के लिए रख देंगे, ताकि कीमा अच्छी तरीके से हमारा घुल जाए और अच्छी तरीके से पक जाए और मसाला भी हमारा खुश्क हो जाए, यानी कि पानी जो डाला है। आधे घंटे इसको पकाते हैं, तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट तकरीबन हो गए, और यहाँ पे चूल्हा तेज़ कर रही हूँ मैं अब, क्योंकि पानी तकरीबन सब खुश्क हो ही गया है। ये देखें, हाँ, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, 35 मिनट लगे होंगे अब जो है। ये देखें, पानी सब माम खुश हो गया, इसमें डालूँ दही शामिल करते हैं। इसमें ये दही शामिल कर दी मैंने इसके अंदर, और दही शामिल करने के बाद इसको जो है भुनाई करेंगे, और जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें मटर और जो है आलू वो शामिल करेंगे। अभी इसकी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से भुनाई। यहाँ पे तकरीबन भुनाई हो गई है, मसाले ने जो है वो तेल को छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये देखें मटर और आलू मैंने धो के रख दिए थे, इसमें शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें डाला है पानी, ताकि हमारे मटर और आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से कीमे के अंदर पक जाए और गल जाए। और इसको ढक के तकरीबन हल्की आंच पे पकाएंगे, ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको और पकाएंगे, जब तक कि आलू और मटर हमारे गल जाए।
दुनिया से।